Hello, dear students. This is Pratibha Bhakat, your host teacher of Diseases of well and Horticultural Crops and their Management Part One, and welcome back again in this lecture session. In last class, we had already discussed about the diseases of banana, in which we had completed sigatoga, Panama wilt, and Moko disease, and today we will discuss about the last disease, last disease of banana, which is bunchy top. Which is also called as curly top, cabbage top, triangle disease, and in Hindi, it is called as sirsguchroop. So let's start from the economic impact. This disease was first reported from Fizi in eighteen eighty nine in Cavendish variety, and nineteen forty me, this disease India may Sri Lanka se introduced your. थ्रो साइक्लोन मतलब ये डिसीज़ इंडिया में नहीं पाया जाता था लेकिन 1940 के दौरान एक साइक्लोन के द्वारा यह डिसीज़ श्रीलंका से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई अब यह डिशीज़ यह जो डिस यह जो वायरस है जो कि यह एक वायरल डिसीज़ है तो ये जो वायरस है अब ये डोमेस्टिक क्वारंटाइन पेस्ट के रूप में इंडिया में बन चुका है और इस डिसीज़ के इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा साउथ पो साउथ एरिया में देखने को मिलते हैं जो ये डिसीज़ है इस डिसीज़ के कारण जो साउथ का रीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड है इसीलिए क्वार इसलिए स्ट्रिक्ट क्वारंटीन रूल के हिसाब से प्लांटिंग सकर्स का नॉर्थ ईस्ट या फिर तमिलनाडु कर्नाटका और केरल से इन चारों स्टेट से आ, इंडिया के अदर पार्ट में प्लांटिंग सकर्स का मूवमेंट स्ट्रिक्टली ही आ, कम्प्लीटली कंट्रोल कर दिया गया रोक दिया गया है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तमिलनाडु में कर्नाटका में एंड केरला में यह डिसीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रेविलेंट है सो so, यह था इस डिसीज़ का इकोनॉमिक इम्पैक्ट अब हम देखते हैं इसका मैन सॉरी इसका सिम्टम्स तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला नॉर्थ ईस्ट कर्नाटका के साथ साथ यह डिसीज़ उड़ीसा में भी सबसे ज़्यादा प्रवलेंट है इसलिए उड़ीसा में भी इस इसके सकर्स का मूवमेंट अलाउड नहीं है सो स्टार्ट फ्रॉम द सिम्टम्स यह जो यह इन्फेक्शन प्लांट के किसी भी क्रॉप ग्रोथ स्टेज में स्टार्ट हो सकता है यानी कि पौधे में जो डिसीज़ के लक्षण हैं वह प्लांट की किसी भी अवस्था किसी भी स्टेज में देखी जा सकती है एंड इस डिसीज़ को आ, बंची टॉप या फिर सिर्स गुच्छ रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पौधा होता है पौधे के टॉप पे यानी कि उसके शीर्ष पे पत्तियों का गुच्छा सा बन जाता है इसलिए इस डिसीज़ को बंची टॉप या शीर्ष गुच्छ भी कहते हैं सो so, यह जो डिसीज़ है इस पे जो लैमिना होती है उसमें इंटरवीन क्लोरोसिस हो जाता है जो कि एज़ कंपेयर टू हमारा जो लीफ का जो नॉर्मल कलर है उस कलर से वह थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि इसके लैमिना मेंटरवीनिय इंटर, क्लोरोसिस हो जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती बट अगर हम हेल्दी प्लांट और इन्फेक्टेड प्लांट को अगल बगल में रख के देखें तो बहुत ही ईजिली दोनों में डिफरेंस समझ आ जाता है इसलिए समझ आता है क्योंकि जो हेल्दी ली, हेल्दी लीव्स होती है वो लिटिल थोड़ी लाइट कलर की होती है लेकिन जो इन्फेक्टेड लीफ होती है उसमें डार्क ग्रीन कलर के स्ट्रेक्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि लीफ के साथ साथ पेटियोल्स में भी बनते हैं और लीफ के मिडरेप लीफ वेन सब में ही यह डार्क ग्रीन स्ट्रेक्स क्या है वो कंटिन्यूसली बनने लगते हैं जिसे हम मॉर्स्कॉड भी कहते हैं इन्फेक्ट प्लांट है वह क्या होता है वो स्टंटिंग शो करता है जिसकी वजह से इसे हम मीन्स uh, इस रोग में जो पौधे होते हैं वो बौने रह जाते हैं यंग प्लांट में इन्फेक्शन होने से पौधों की जो हाइट है वह रुक जाती है इसलिए यह पौधे बोने रह जाते हैं और साथ ही साथ जो लीफ का भी जो uh, ये पौधे बोने इसलिए होते हैं क्योंकि जो लीफ की साइज होती है वह रिड्यूस हो जाती है इसका लैमिना रिड्यूस हो जाता है पेटियोल भी छोटे रह जाते हैं और इंटरनोट का भी जो लेंथ है वह छोटा हो जाता है जिसके कारण जो पौधा होता है वह इरेक्ट हो जाता है ब्रिटल हो जाता है एंड ऊपर के हिस्से पे यह क्राउडेड हो जाता है जिसे जिससे कि बंची टॉप का या फिर सिर से गुच्छा का फॉर्मेशन यह ले लेता है और यह बंची टॉप कहलाता है जो लीफ मार्जिन है वह भी क्लोरोसिस शो करती है और साथ ही साथ उसमें लाइट कर्लिंग और नेक्रोसिस भी देखने को मिल सकता है इन्फेक्शन में जो यंग प्लांट होते हैं उनमें बंच नहीं निकल पाता यानी कि उसमें बंच का फॉर्मेशन नहीं हो पाता जिसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग में समस्या होती है आ, साथ ही साथ जो पौधे की जो हाइट होती है वो सिक्स सिक्सटी सेंटीमीटर से अधिक नहीं देखी जाती इस तरह के इन्फेक्टेड प्लांट्स में फ्रूट्स नहीं लग पाते क्योंकि उनमें बंच का इमरजेंस नहीं हो रहा बंच नहीं निकल पा रहे साथ ही साथ जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उन अगर प्लांट में इन्फ्लोरेसेंस निकलता है तो जो इन्फ्लुंसिस होते हैं वह ग्रीन के ग्रीन ही रह जाते हैं वो नॉर्मल पिंक से पर्पल कलर में कन्वर्ट नहीं होते सो so, इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इन्फेक्टेड है जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो टॉप पे ही उसने लीफ पूरी एक तरह इकट्ठा हो गई और इस प्लांट की हाइट भी ज़्यादा नहीं है साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हेल्दी लीफ और जो वायरस इन्फेक्टेड लीफ है दोनों में कितना अंतर है ये वायरस इन्फेक्टेड लीव है और यह एक हेल्दी लीव है सो so, अब हम देखते हैं इस डिसीज़ का ईटियोलॉजी सो so, इस डिसीज़ का जो ईटियोलॉजी है जैसे कि मैंने पहले बताया यह डिशीज़ एक वायरस के कारण होती है सो ईटियोलॉजी so, को डिस्कस करने के बारे में एक बार फिर से हम सिम्टम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही इजी भाषा में जिसमें आप लोग को बहुत ही इजी हो समझना जो पौधे होते हैं वह डिसीज़ के लक्षण किसी भी स्टेज में देखने को मिल सकते हैं पौधों पौधों में जो टॉप का हिस्सा होता है यानी कि जो उसका शीर्ष का भाग होता है उसमें पत्तियों का गुच्छा बन जाता है इसीलिए इस डिसीज़ को हम बंजी टॉप ऑफ बनाना या फिर शीर्ष बना केले का शीर्ष गुच्छ रोग कहते हैं इस रोग में पौधे बोने रह जाते हैं क्योंकि उनकी जो आ, प्लांट का पेटियोल्स है लीव्स है इंटरनोट है वो सब उनकी हाइट रुक जाती है छोटे हो जाते हैं इसलिए पौधा भी बोना रह जाता है यंग प्लांट में इन्फेक्शन होने से पौधों की हाइट की ग्रोथ भी नहीं बढ़ पाती और जो पौधा होता है वो मोस्टली सिक्सटी सेंटीमीटर से भी कभी कभी ऊपर नहीं बढ़ पाता अगर उसके यंग स्टेज में इन्फेक्शन हो जाए तो इस तरह के इन्फेक्टेड प्लांट में फ्रूट्स भी नहीं लग पाते क्योंकि जो इन्फ्लोस होता है उनमें ग्रोथ नहीं हो पाता सो so, ये था डिसीज़ का सिम्टम्स अब हम देखते हैं इसकी एटियोलॉजी यह डिसीज़ एक वायरस इन्फेक्टेड डिसीज़ है यानी कि इसका जो पैथोजन है वह एक वायरस है और जिसका कॉजल ऑर्गेनिजम है बनाना बंची टॉप वायरस जिसे हम शॉर्ट में टीवी कहते, बीबी टी वी कह बीबी भी कहते हैं सो so, बनाना बंजी टॉप वायरस इस यह एक प्लांट पैथोजेनिक वायरस है जो कि नैनोवेरीडी फैमिली से बिलोंग करता है इस वायरस का कैरेक्टर कुछ इस प्रकार है साथ ही साथ ये फैम ये नैनोवेरीडी फैमिली से बिलोंग करता है और यह बाबू वायरस ग्रुप से भी आ, जो इसका ग्रुप है इस वायरस का वह है बाबू वायरस नेक्स्ट है इस वायरस का न्यूक्लिक एसिड सो यह वायरस का न्यूक्लिक एसिड जो है वह सिंगल स्टैंड डीएनए वायरस है जो कि आइसो जिसमें आइसोमेट्रिक पार्टिकल्स होते हैं यानी कि यह सिक्स पार्टिकल्स का होता है और आ, मीनस ये जो वायरस वायरस है इसका जो शेप आ, शेप भी कुछ आइसोमेट सॉरी जो उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो आइसोमेट्रिक होंगे सो so, ये वायरस सिंगल सिंगल स्टैंड डीएनए वायरस है और आ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो वायरल डिसीज है वह खुद से प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करता उसे प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए कोई वैक्टर चाहिए या फिर मैकनिकल ट्रांसमिशन ट्रांस ट्रांसमिट की हेल्प लगती है तो वैसे ही बनाना बंची टॉप वायरस भी में भी आ, वेक्टर के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है जो कि जो कि एफिट के द्वारा होता है यह एफिट होते हैं पेंट पेंटालोनिया निग्रो, आ, निग्रो नर्वोसा पेंटालोनिया नर्वोसा यह जो कि बनाना में आ, बनाना के एफिट होते हैं यह इस डिसीज़ को प्लांट टू प्लांट होस्ट टू होस्ट ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं और साथ आ, यह केवल वेजिटेटिव प्लांटिंग मटेरियल के थ्रू ही डेसिमिनेट होते हैं इनमें किसी भी तरह का मैकेनिकम इनोकुलेशन नहीं होता आ, देख सकते हैं कि किस तरह चोड़े चोड़े से ये छोटे छोटे आइसोमेट्रिक पार्ट्स हैं आपस में डीएनए के वायरस पार्टिकल्स हैं यही है बनाना बंजी टॉप वायरस नेक्स्ट हम देखते हैं बनाना का एफिड पेंटा लोनिया नेग्रो, नेग्रो नर्वोसा यह इस आ, यह इस, बनाना बंजी टॉप बनाना बंजी टॉप वायरस डिसीज़ का वैक्टर इस इस वैक्टर के थ्रू ही यानी कि इस इंसेक्ट के थ्रू ही इस बनाना एफिड के थ्रू ही डिसीज का स्प्रेड होता है या डिसीज ट्रांसमिट होती है नेक्स्ट है डिसीज साइकिल जो जैसे कि हम सब जानते हैं जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वायरस का वह वा या तो डिसीज सकर्स के थ्रू होगा अगर हम प्लांटिंग ऐसे प्लांटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो इस वायरस पार्टिकल से तो वहाँ पे यह प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम का काम करेगा यह था इस डिसीज़ का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम जो कि वायरस इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल यूज़ करने से हो रहा है लेकिन जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो वायरस पार्टिकल्स का एफिड के थ्रू ट्रांसमिशन से ही होगा यानी कि यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन वायरस के वेक्टर के द्वारा हो रहा है और यह वेक्टर है बनाना ब्लैक एफिड यानी कि पेंटलोनिया नर्वोसा यह वायरस पार्टी जो कि वायरस के पार्टिकल्स को आ, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है और यहीं पे यह इस डिसीज़ का सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनाकुलम हुआ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम वायरस पार्टिकल इन्फेक्ट वायरस पार्टिकल से इन्फेक्टेड सकर्स का अगर हम प्लांटिंग के लिए यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम हो जाएगा बट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनाकुलम वो वैक्टर होगा साथ ही साथ कोलोकेशिया स्कुलेंटा एज अ रिजर्वायर होस्ट के रूप में लेटर रिजर्वायर होस्ट के रूप में काम करता है जहाँ से आ, जो वेक्टर है वह वायरस को एक्वायर करता है यानी कि कोलोकेशिया स्कुलेंटा भी एज अ होस्ट इस डिसी इस वायरस के लिए काम करता है सो so, ये था इस डिस आ, इस डिसीज़ का डिसीज़ साइकिल अब हम देखते हैं इसका फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल कंडीशन मुस, का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका फैक्टर है वह है इसका टेम्परेचर है और यह टेम्परेचर फेबररी के टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि आ, जो आ, अगर फेबररी के टाइम पे अगर टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होने लगता है जो कि वायरस के स्प्रेड को और सिम्टम के एक्सप्रेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा फेबररी के आ के सीज़ फेबररी के मंथ में तो डिसीज़ भी क्या होगा वायरस का जो स्प्रेड है वो भी बहुत ईजिली होगा एंड उसका सिम्टम्स होगा वह भी बहुत ही अधिक मात्रा में एक्सप्रेस होंगे ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर साथ ही साथ इन्फेक्टेड रिजर्वायर होस्ट जैसे कि कैना हेलिकोनिया इस्टरलीजीटिया और या फिर आपका कोलोकेशिया अगर इनका इस तरह के रिजर्वायर होस्ट का प्रविलेंस ऑलरेडी फील्ड में है या फील्ड के आसपास है तो भी यह डिसीज़ इस वायरस के लिए या फिर ड्यूरिंग कल्टीवेशन सीजन ये फील्ड के आसपास है इस तरह के होस्ट तो भी यह इस डिसीज़ को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं फील्ड में आसपास मौजूद होते हैं नेक्स्ट जो फेवरेबल कंडीशन है वो एफिड फैक्टर का प्रोवलेंस होना यानी कि जो एफ्टिव सॉरी जो एफिड है उस वैक्टर का बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होना फील्ड में भी इस डिसीज़ को बहुत ही इजीली और फास्टली स्प्रेड करने में हेल्प करता है तो ये थ्री पर्टिकुलर पॉइंट इस डिसीज़ के लिए बहुत ही फेवरेबल है पहला इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग फेबररी विच इज़ हेल्प टू विच इज हेल्प टू फेवर वायरस स्प्रेड एंड सिम्टम एक्सप्रेशन नेक्स्ट वन इज प्रवलेंस ऑफ इन्फेक्टेड रिजर्वा होस लाइक कैना हेलिकोनिया और स्टर्लीजीटिया और कोलोकेशिया द लास्ट वन इज प्रवलेंस ऑफ एफिड फैक्टर नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट इस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए हम निम्नलिखित प्रैक्टिस का यूज कर सकते हैं जैसे कि ये वेक्टर डिसीज़ है हम वायरस को तो कंट्रोल नहीं कर सकते बट हम इसके वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं और हम कुछ प्रैक्टिसेस के थ्रू भी हम फील्ड में वायरस को आने से रोक सकते हैं सो so, पहले तो अगर इस डिसीज़ को हमें फिल्म में आने से रोना रोकना है वायरस को हमें फिल्म में आने से रोकना है तो हमें स्ट्रिक्ट क्वारंटीन मेज़र्स का यूज़ करना होगा ऐसे एरिया से हमें बनाना कि सक्करस नहीं मंगाने हैं जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है जैसे कि तमिलनाडु कर्नाटक उड़ीसा आंध्र प्रदेश केरला तो इस और नॉर्थ ईस्ट हमें इस तरह के एरिया से राज्य से हमें, हमें इन्फेक्टेड शक्र्स किसी भी प्रकार से नहीं मंगाना चाहिए या फिर किसी भी इन्फेक्टेड एरिया से हमें शक्करस का अवॉइड करना चाहिए यूज़ ऑफ हमें केवल ऐसे ही बनाना सक्करस को यूज़ करना है जो कि सर्टिफाइड है या फिर कल्चर के थ्रू प्लांट तैयार किया गया है आ, क्योंकि इस कल्चर के थ्रू हम जब प्लांट तैयार करते हैं तो मोस्टली हम इसी कंडीशन में करते हैं जब हमें वायरस फ्री पैथ प्लांट चाहिए तो अगर हमें वायरस फ्री प्लांट यूज़ करना है तो हम या तो कल्चर से आ, के द्वारा जो पौधा तैयार हुआ उसके हमें प्लांटिंग के लिए यूज़ करना है या फिर हमें सर्टिफाइड प्लान बनाना सकर्स का यूज़ कर सकते हैं साथ ही साथ हमें टाइम टू टाइम फील्ड में मॉनिटरिंग करती रहनी चाहिए इन्फेक्टेड प्लांट की अगर हम इन्फेक्टेड प्लांट की मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो हम उसे समय पे फील्ड से रिमूव कर सकते हैं ताकि uh, हम इन्फेक्शन को और फैलने से रोक सकें uh, इस तरह सो so, इस तरह के इन्फेक्टेड प्लांट को उसके शक्करस के साथ ही आ, निकाल देना चाहिए मैट के हेल्थ से और उनमें हरबी साइड टू फोर डी को इंजेक्ट करके इस तरह के प्लांट को या शक्करस को हमें मार देना चाहिए ताकि हो, आ, वैक्टर को किसी भी तरह से आ, होस्ट ना प्रोवाइड हो सके ताकि वो आ, या फिर वायरस ना मिल पाए अपनी बॉडी में और वो अन्य हेल्दी प्लांटों को भी इन्फेक्ट ना कर सके इसके अलावा हम बैरियर क्रॉप्स लगा सकते हैं जैसे कि सनहेम्स हो गया सो so, सनहेम्स को हम किस तरह से बैरियर क्रॉप के रूप में यूज़ कर सकते हैं हमें फील्ड में इसे फील्ड में चारों तरफ बाउंड्रीज के रूप में यूज़ करना है जिसमें हमें थ्री टू फोर रोज़ लगाना होगा यानी कि आपका बीच में आ, बीच में जो मेन फील्ड का आपका जो फील्ड है फील्ड का जो मेन बीच का जो सेंटर का पार्ट है उसमें मेन क्रॉप में आपकी बनाना रहेगी लेकिन उसके आउटर के थ्री टू फोर रोज़ में चाहे तो आप रोज़ बढ़ा सकते हैं फाइव टू सिक्स भी कर सकते हैं आ, तो इन आउटर के चार आउटर में फील्ड के बाउंड्रीज में चारों तरह में हमें थ्री टू फोर रोज़ सनहैम की लगा देनी चाहिए ताकि एफिड को हम चेक कर सकें यानी कि फील्ड में आ, अगर हम सनहैम को लगा सक लगाते हैं तो इससे एफिट की जो एंट्री होती है वह रुक जाती है वो इसलिए रुकती है क्योंकि जो एफिड होते हैं वो सनहैम पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं तो इस तरह से हम बैरियर क्रॉप लगा के भी हम अपने मेन क्रॉप को एफिट से एफिड के अटैक से बचा सकते हैं और एफिड के अटैक से अगर हमने फील्ड को बचा लिया अपने क्रॉप को बचा लिया तो वायरस भी हमारे फील्ड में नहीं आ सकता क्योंकि अगर हमने हेल्दी प्लांट हमने हेल्दी सकरस यूज़ किए हैं तो यहाँ फील्ड पर कोई चांसेस नहीं है डिसीज़ का आने का अगर हम वैक्टर को कंट्रोल ना करें तो हमें वैक्टर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है वैक्टर को कंट्रोल करने के लिए हम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि फॉस्फोमिडान एट द रेट वन एम एल फॉर वन लीटर ऑफ वाटर और मिथाइल डेमोटॉन और डायमेथो एट द रेट टू एमएल पर लीटर ऑफ वाटर तो इस तरह से हम ये फॉस्फो मैडान मिथाइल डेमोटॉन और डायमेथोट का का रिक्वायर्ड अमाउंट को रिकमेंडेड अमाउंट को यूज़ करके हम एफिट को कंट्रोल कर सकते हैं साथ ही साथ हमें कोलोकेशिया के साथ बिल्कुल भी इंटरक्रॉपिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोलोकेशिया भी क्या है एक आ, रिजर्वायर होस्ट की तरह हेल्प करता है वेक्टर का तो हमें कोलोकेशिया की इंटरक्रॉपिंग या फिर कोलोकेशिया फील्ड के आसपास बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए सो so, आज के लिए इतना स्टूडेंट हमने बनाना कि चारों ही डिसीज़ कंप्लीट कर लिए हैं तो और इन डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू हम चारों डिसीज़ को अपने फील्ड में कंट्रोल कर सकते हैं और मोस्टली जैसे कि मोको डिसीज़ तो हमारे इंडिया में पाया भी नहीं जाता तो हमें उस डिसीज़ की आ, के साथ साथ हम बाकी जो अदर थ्री है जो इंडिया में देखी जाती है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे हमारे जो मेजर डिसीजेस थे बनाना के पनामा वेल्ट मोको डिसीज़ बंची टॉप एंड सिकर्टों का हम हमने चारों को कंप्लीट कर लिया है अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक यू